हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो आज की वीडियो में हम पैंट स्टिचिंग बताएंगे और कमर के हिसाब से किस तरह से हम पैंट में इलास्टिक डालें वो भी आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए करते हैं स्टिचिंग शुरू। तो जी, ये है पैंट का फ्रंट पार्ट। इस तरह से पैंट को खोलेंगे और इसके साथ ये दो पार्ट हैं इनर के और दो हैं मेन फैब्रिक के। तो चारों पार्टों को इकट्ठा पकड़ेंगे और इकट्ठा पकड़ के यहाँ आसन पर सिलाई लगा लेंगे। तो जी, ये सिलाई हमने लगा ली। अब इसको हम खोलेंगे पैंट को और नीचे से जो मेन फैब्रिक है उसका एक पार्ट उधर कर देंगे, इनर का एक पार्ट इधर कर देंगे। तो इस तरह से दोनों साइड हो जाएगी गुम सिलाई। और अब यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो जैसे हमने ये पार्ट बनाया है यहाँ से आसन से, वैसे ही हम पीछे का पार्ट बना लेंगे। और यहाँ से ये निशान है हमारी प्लेट का, तो यहाँ हम प्लेट डालेंगे। कपड़े को इस तरह से उठाएंगे और उठाते हुए यहाँ से आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से प्लेट बना लेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही प्लेट बनाएंगे। तो जी, इस तरह से प्लेट बनाने के बाद अब यहाँ हम लगाएंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए ऊपर से छोड़ेंगे 1.5 इंच कपड़ा और जो ये पॉकेट की लंबाई रहेगी यहाँ से वो रहेगी 5.5 इंच पर। तो इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगा करके और इस निशान को इस तरह से, तो जो सिलाई हम लगाएंगे वो ऐसे करके ऐसे लगाएंगे। तो ये हमारे पास पॉकेट का कपड़ा है, इसको ऐसे खोल लेंगे। और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और जहाँ पर हमारे ये कोने बने हैं वहाँ पर लगा लेंगे कट दोनों साइड से। और पॉकेट वाले कपड़े को नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये कुछ आ जाएगा। और अब यहाँ एक पैर की सिलाई और लगाएंगे। अब आगे से पॉकेट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम पीछे से इसको फोल्ड करेंगे और जैसे ये पॉकेट हमारी इस तरह से आएगी और हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, तो इसको हम उल्टा करके ऐसे पलटेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे।
अब पॉकेट को इस तरह से खोल लेंगे, अंदर की साइड पलट देंगे जो मार्जिन है, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पॉकेट हमारी सेट हो जाएगी। अब यहाँ एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से कच्ची सिलाई लगा करके पॉकेट को हम पैंट के साथ में ही स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से ये पैंट में इस तरह से गोलाई आएगी तो पॉकेट को भी हम गोलाई में शेप दे देंगे। इसको ऐसे नहीं करेंगे कि पैंट को खींच लिया हमने अंदर की साइड से, इसको अच्छे से सेट कर दिया, इसको कटिंग करके गोलाई में ही शेप दे देंगे। अब यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो पॉकेट फ्रंट पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है। अब जैसे हमने ये आसन तैयार किया था बिल्कुल वैसे ही हम पीछे का पार्ट भी तैयार करेंगे। बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से आमने सामने रखते हुए दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये जो साइड वाली सिलाई है दोनों साइड से ये सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से ये हमारी पॉकेट है और सिलाई जब हम लगाएंगे तो सिलाई यहाँ से आएगी। अगर आपको इस तरह से पता न चले कि इस साइड से हम कैसे सिलाई लगाएंगे तो आप पहले से यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लें, फिर जब यहाँ इस पार्ट के साथ मिलाकर लगाएंगे तो उसी के ऊपर लगा लेंगे। तो बिगनर्स हैं तो ये काम कर सकते हैं, वरना तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से हमारी पॉकेट है और सिलाई हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से पक्का करते हुए सिलाई को शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स एक साइड की सिलाई हमने लगा ली है और अब हम आपको दिखाते हैं खोलकर इसकी पॉकेट। तो ये देखिए इस तरह से पॉकेट आएगी। और अब दूसरी साइड की सिलाई भी यहाँ से शुरू करेंगे और नीचे तक अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए अच्छे से ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फोल्ड करेंगे मोहरी को। तो जहाँ से हमने कट लगाया है वहीं से हम मोहरी को फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक, और दोनों साइड की मोहरी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए जैसे ये घेरा हमने फोल्ड किया है, हमने यहाँ लगाई है कच्ची सिलाई, यहाँ पर बाद में तुरपाई करेंगे और इसी प्रकार से दूसरा घेरा भी फोल्ड कर लेंगे। कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से तो इनर लगा लिया और यहाँ से इनर क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ से इनर हमारा कम था तो इसलिए हमने यहाँ से मेन फैब्रिक को जोड़ करके इनर की जगह अटैच कर दिया। तो यहाँ से हमारा कपड़ा डबल है, ये मेन फैब्रिक बचा हुआ था तो इसी को हमने नीचे इसमें जोड़ा है। अब लगाएंगे मोहरी वाली सिलाई।
दोनों पार्ट को बराबर से मिलाते हुए जितना भी हमें मोरी यहाँ से तैयार करना है उतने पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से पक्का करते हुए पूरे आसन पे सिलाई लगा लेंगे। तो अब एक साइड की मोहरी पर हमने सिलाई लगा ली है और आसन पर ला करके हम ख़त्म करेंगे। ये सिलाई लगाते समय नीचे से मोहरी की साइड सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो ऊपर की साइड जब सिलाई को लेकर आएंगे तो यहाँ से कम करते हुए आसन तक हम कम सिलाई दबाएंगे, यहाँ हम कपड़ा ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब एक साइड की सिलाई हमने लगा ली, अब लगाएंगे दूसरी साइड की। तो दूसरी साइड की सिलाई भी हम उसी प्रकार से लगाएंगे जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट पे लगाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीचे की सिलाई थी वो भी हमने लगाकर कंप्लीट कर ली। अब इसमें एक सिलाई और लगाएंगे, यहाँ हम हमेशा डबल सिलाई रखेंगे। तो जी अब करेंगे पैंट में हम बेल्ट को अटैच। तो बेल्ट अटैच करने के लिए ये हमने लंबी बेल्ट ले ली है, जितनी भी इसमें से यूज होगी वो हम कर लेंगे, बाकी की कटिंग कर देंगे। तो ये पैंट का बीच पार्ट है और हम यहाँ से इसको अटैच करना शुरू कर लेंगे इस जोड़ से। और पैंट की उल्टी साइड से हम सिल लेंगे बेल्ट को और सीधी साइड पलटेंगे, यहाँ से इतना कपड़ा छोड़ेंगे सिलाई के लिए, बाकी पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने जोड़ा था उसको हमने निकाल दिया है, यहाँ तक हमारी ये बेल्ट कंप्लीट हो जाती है। तो इन दोनों कपड़ों को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी पैंट में बेल्ट लगाने के बाद बेल्ट को हम इस फोल्ड करेंगे नेफे की तरह, जैसे नेफा फोल्ड करते हैं वैसे ही हम इस नेफे को बनाएंगे। इसकी चौड़ाई हम इतनी रखेंगे जितना हमारा लास्टिक है। तो ये देखिए नेफे की चौड़ाई हम इतना रखेंगे जिससे हमारा लास्टिक आसानी से इसके अंदर डल सके। यहाँ से नेफा फोल्ड करना शुरू करेंगे और पूरे नेफे को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इतना सा नेफा हम छोड़ेंगे जिसमें हम लास्टिक डाल लेंगे। यहाँ से ये पूरा नेफा हमने सिल लिया और यहाँ से इतना नेफा हमने छोड़ दिया, इसमें डालेंगे अब लास्टिक। तो जब पिछली बार पैंट बनाई थी उसमें लास्टिक डालने का तरीका कई बहनों को समझ में नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी आवाज़ थी वीडियो के अंदर वो चली गई थी। तो अब की बार इसको ध्यान से समझ लेना। अब कमर के हिसाब से कैसे लास्टिक को कटिंग करेंगे, सबसे पहले तो लास्टिक को हमें चेक करना है कितना लास्टिक टाइट है और कितना सॉफ्ट है।
तो जैसे अब कमर है 37 इंच, तो उसमें से अगर इलास्टिक सॉफ्ट है तो 6 इंच माइनस करके कटिंग कर लेंगे, अगर इलास्टिक टाइट है तो 5 इंच माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो इलास्टिक है कमर है वो है 37 इंच और इलास्टिक हम कट करेंगे 30 इंच, तो इसमें से 6 इंच हम इलास्टिक को माइनस कर देंगे। यहाँ हम इलास्टिक को कट करेंगे 31 और सिलने के बाद ये हमारा बचेगा 30। तो इतना इलास्टिक हमने यहाँ से ये कट कर लिया है। अब एक सुई पिन की मदद से इलास्टिक को नेफे के अंदर डालेंगे जहाँ से हमने होल छोटा है वहीं से हम लास्ट पूरे इलास्टिक को नेफे के अंदर डालेंगे। पूरा इलास्टिक डाल लिया। अब इलास्टिक के दोनों सिरे ऐसे पकड़ेंगे और इलास्टिक को चेक कर लेंगे कि कहीं से इलास्टिक मुड़ा हुआ तो नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है इलास्टिक। और दोनों सिरों को ऐसे ऊपर नीचे रख करके यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। इलास्टिक पर सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को हम अंदर करेंगे नेफे के और यहाँ से जो नेफा खुला है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। अब जी इलास्टिक हमने डाल लिया है। अब ये देखिए मेन चीज है वो आपको जो समझ में नहीं आया था, तो ये है फ्रंट पार्ट का बीच का आसन और इधर इसमें ये प्लेट है और इधर इसमें ये प्लेट है। तो यहाँ से बिल्कुल हम सारी प्लेटों को हटा देंगे और इलास्टिक हम उतना ही डालेंगे जितना हम नॉर्मल पेंटों में डालते हैं, इसमें न कम करेंगे न ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उतना ही इलास्टिक डाला है हमने आपके आगे। अब यहाँ तक प्लेट है ना, इससे आधा इंच इस साइड निशान लगा देंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके और पक्का करते हुए हम एक दो सिलाई यहाँ पर घुमा कर लगा लेंगे। तो ये सिलाई इस साइड लगा दी और ये सारी चुन्नटें इस साइड करते हुए यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड अंदाजे से हमने ये सिलाई लगा दी, प्लेट के आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। अगर आपको माप करके ये सिलाई लगानी है तो यहाँ से आप 8 इंच भी छोड़ सकते हैं, 9 इंच भी छोड़ सकते हैं और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। और जो बाकी का जो हमारा ये बचा है उसको पूरे इलास्टिक को पूरी चुन्नटों को अच्छे से पकड़ के सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे। अब आपको सीधा करके इसका लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पेंट का लुक आएगा और ये पहनने के बाद इसकी वैसे ही प्रॉपर फिनिशिंग आएगी जैसे हम चैन और बेल्ट वाली बनाते हैं। और ये पीछे से आप देख सकते हैं इलास्टिक को,
और इस तरह से बेल्ट बनाने में आसानी भी रहेगी, इलास्टिक को डालने में भी आसानी रहेगी, और बिगनर्स के लिए तो ये एकदम सरल और आसान तरीका है। तो इस तरह से आप पैंट में इलास्टिक डाल सकते हैं, और जो हम पेस्टिंग डालते हैं वो तो यहाँ से मुड़ भी जाएगी, इलास्टिक बिल्कुल भी यहाँ से नहीं मुड़ेगा जब हम इसको पहनेंगे। तो इस तरह से हम पैंट को स्टिच कर लेंगे, और ये देखिए नीचे से सिलाई एकदम प्रॉपर, ये फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाएंगे, और बिल्कुल भी खींचने से, बिल्कुल भी कहीं से हमारी ये सिलाई नहीं टूटेगी। तो आप पैंट की फिनिशिंग देख सकते हैं, अभी प्रेस इसके ऊपर बाकी है तो इसमें और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ हम करेंगे तुरपाई, कई बार हम सिलाई भी लगा देते हैं, कई कस्टमर तुरपाई पसंद करते हैं और कई सिलाइयाँ। तो इस तरह से हम ये आप पैंट का लुक देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट करें।